ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, दो मिनट लगेगा केवल। ये शब्द केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के हैं, जो अपने संसदीय क्षेत्र लखीमपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और बात किसानों की हो रही थी, तो देखिए कैसे किसानों को समझाने लगे। हैं मोदी जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग सामने इस तरह के आंदोलनों में लगे नहीं, तो ये तो देश किसानों का देश, 10 महीने से ज्यादा हो गए, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं, यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया, क्यों ही वो 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता, अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता, पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहां पर शोर मचाते हैं, तो यहां पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अब मंत्री जी बोल रहे थे तो कहने लगे कि किसानों या तो सुधर जाओ, नहीं तो 2 मिनट में सुधार देंगे। अब यह भी सुन लीजिए, अगर कृषि कानून खराब हो तो क्यों नहीं फैला, 10-11 महीने हो गए, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं, जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। लेकिन ये चैलेंज उन लोगों के लिए है जो रात के अंधेरे में चोरी छिपे छुप करके हताशा निराशा और कमजोर लोग हैं, जो मदद होने पर रोते हुए मेरे पास आते हैं और रोते हुए वो यहाँ आकर के अपनी मदद मांगते हैं, और तब भी मैं मदद करता हूँ, मैंने उनको बचाया, नहीं तो वो आज भी रो रहे हो, ऐसे लोग हैं, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि सुधर जाए और सुधर करके इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान करें, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी ने किसानों के लिए ऐसा बोला तो जाहिर है विवाद तो होना लाजमी था। मंत्री जी को लेकर किसानों ने सोशल मीडिया पर खूब खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अब देखना होगा कब तक मंत्री जी किसानों को सुधारते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए News Times 24 के साथ।